नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। महिला का रास्ता रोककर छेड़खानी करने वाला आरोपी चढ़ा बलौदा पुलिस के हत्थे। आरोपी को चापा से किया गया गिरफ्तार। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 27/11/2022 को दोपहर में अपने खेत से धान लेकर घर जा रही थी। उसी समय पीड़िता के घर के सामने आरोपी अजय खूंटे अश्लील गाली गलौज करने लगा। पीड़िता को पूर्व में आरोपी द्वारा हाथ बांह पकड़कर बेइज्जत करने के आशय से छेड़छाड़ किया गया था। पीड़िता के मना करने पर आरोपी द्वारा पीड़िता तथा उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दिया था। पीड़िता जब भी घर पर अकेली रहती तो आरोपी द्वारा उसके घर के दरवाजा को खटखटाता था। नहीं खोलने पर घर के दरवाजा के सामने गंदी गंदी बातें लिखकर भाग जाता था। मामला महिला संबंधी अपराध होने से तत्काल थाना प्रभारी उप निरीक्षक गोपाल सतपथी द्वारा थाना से एक टीम तैयार कर आरोपी अजय खूंटे का पता तलाश से तो टीम रवाना किया गया। आरोपी को पुलिस टीम बलौदा द्वारा चापा से दिनांक 29/11/2022 को गिरफ्तार करने आले पेश किया गया, जहां से आरोपी अजय खूंटे उम्र 30 वर्ष निवासी कुरमा को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में खास खबर रिपोर्टर विकास सोनी के साथ। खबरों में बने रहने के लिए जेएक्स न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे।